पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के पंढरपुर को देंगे बड़ी सौगात। संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के चार लेन की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी 223 किलोमीटर के अपग्रेडेड रोड प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण करेंगे। पंढरपुर से कई नेशनल हाईवेज की बढ़ेगी कनेक्टिविटी। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में बोले मोदी, बीजेपी में परिवारवाद नहीं, सेवा संकल्प और समर्पण पर टिका है पार्टी का आधार। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से पार्टी और लोगों के बीच भरोसे का सेतु बनाने का आह्वान किया। पीएम ने कहा, ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, लोगों के बीच काम करने से तजुर्बा आता है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, पीएम मोदी ने बीजेपी की रणनीति बनाने का मंत्र दिया, कोरोना काल में पार्टी में सेवा को आधार बनाने की बात कही। यूपी पंजाब समेत पांच राज्यों के लिए बीजेपी ने कसी कमर। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 18 मुद्दों पर हुई चर्चा। जेपी नड्डा ने की पीएम मोदी की तारीफ। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत विश्वगुरु बनने की राह पर चल पड़ा है, कहा। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया, मीटिंग में जेपी नड्डा ने दिया मंत्र, अगर हमने लक्ष्य निर्धारित किया तो पार्टी अपने शिखर पर आएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा, वैक्सीनेशन पर विपक्ष ने गलत सवाल उठाए, भारत के वैक्सीनेशन अभियान को दुनिया ने सराहा। सीएम योगी ने यूपी विधानसभा का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण बताया, कहा पार्टी और राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए बहुत काम किया। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा बोले, आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी नड्डा समेत 342 नेताओं और मंत्रियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पीएम ने किया ट्वीट, लिखा, लोगों के सेवा करने के तरीकों पर सार्थक चर्चा हुई। आज शामली के कैराना जाएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी। पीएसी कैंप समेत कई प्रोजेक्ट्स की रखेंगे आधारशिला। डर से कैराना छोड़कर जाने के बाद वापसी करने वाले परिवारों से भी मिलेंगे सीएम योगी। यूपी के रामपुर में भी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे सीएम योगी। एक जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्र पर फिर बरसे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। बोले, किसान आंदोलन में 600 जाने गई, संसद में एक भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। सत्यपाल मलिक ने कहा, जिसने गवर्नर बनाया उन्हें दिक्कत हुई तो दे दूंगा इस्तीफा। किसानों के समर्थन में बोली मायावती, केंद्र सरकार खत्म करे तीनों कृषि कानून को, लोगों को दे राहत। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, शायद पीएम मोदी किसानों को देश का मानते ही नहीं, किसानों को लगता है पीएम किसान हितैषी नहीं है। आज पंजाब विधानसभा का होगा विशेष सत्र। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का विरोध समेत कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव पर हो सकता है चर्चा। पंजाब सरकार ने पेट्रोल डीजल पर दी राहत, डीजल पर 10 रुपए और पेट्रोल पर 5 रुपए वैट कम किया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का एजी देओल पर पलटवार, कहा, न्याय अंधा है, पंजाब के लोग नहीं। बीएसपी के निष्कासित लालजी वर्मा और राम अचल राजभर एसपी में शामिल, अखिलेश यादव ने सदस्यता दिलाई। बीएसपी के पूर्व नेताओं के एसपी में शामिल होने पर बोली मायावती, कहा, दल बदलू और निष्कासित लोग कमजोर करेंगे एसपी का जराधार। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बीजेपी पर हमला, आरक्षण का वादा पूरा नहीं किया तो गठबंधन पर पड़ेगा इसका असर। माइनिंग पीपुल्स फ्रंट के संयोजक पुति गावरकर आम आदमी पार्टी में शामिल, सीएम केजरीवाल ने दिलाई सदस्यता। सीएम केजरीवाल का पुति गावरकर को भरोसा, सरकार बनी तो 6 महीने में माइनिंग का काम शुरू करेंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने गवाहों को सुरक्षा देने का दिया था निर्देश। आज एनसीबी के सामने पेश हो सकते हैं आर्यन खान, कल तबियत खराब होने की वजह से नहीं हुए थे पेश। एसआईटी ने आर्यन को पूछताछ के लिए भेजा था समन। एनसीबी की एसआईटी 6 मामलों में कर रही है जांच। एनसीबी ने आज प्रभाकर साहिल को फिर पूछताछ के लिए बुलाया, कल समन के बाद भी हाजिर नहीं हुआ है प्रभाकर, वानखेड़े पर लगाए थे आरोप। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने अरबाज मर्चेंट और अचित कुमार का बयान दर्ज किया, अरबाज से 9 घंटे तक पूछताछ। नवाब मलिक के आरोपों के बीच एनसीबी ने जांच के लिए एसआईटी बनाई। आर्यन केस में फिरौती के आरोप में अब जांच होगी। मुंबई पुलिस की एसआईटी के सामने पेश हुए सुनील पाटिल, दर्ज कराया बयान। सुनील पाटिल ने किसी केस का मास्टरमाइंड होने से इनकार किया, कहा, मुंबई क्रूज ड्रग्स केस से लेना देना नहीं। नवाब मलिक का आरोप, फैशन टीवी के चीफ काशिफ खान ने मंत्री असलम शेख को क्रूज पार्टी में आने के लिए मजबूर किया, आज असलम शेख मीडिया के सामने रखेंगे पक्ष। नवाब मलिक के आरोपों पर मोहित कंबोज का जवाब, सभी आरोपों को गलत करार दिया, कहा, नवाब मलिक झूठ बोल रहे हैं। मोहित कंबोज ने कहा, नवाब मलिक ने सुनील पाटिल के साथ रची साजिश, सुनील पाटिल के साथ पार्टी करते थे नवाब। नवाब मलिक ने बीजेपी नेता मोहित कंबोज को वसूली के खेल का मास्टरमाइंड बताया, समीर वानखेड़े का पार्टनर भी करार दिया। गवाह विजय पगारे का खुलासा, कहा, ड्रग्स केस में 4 मास्टरमाइंड, गुसावी भानुशाली सैम सुनील पाटिल साजिश में शामिल। समीर वानखेड़े मानहानि केस में आज कोर्ट में होगी सुनवाई। समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक पर 1.25 करोड़ की मानहानि का ठोका है मुकदमा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 नवंबर तक ईडी कस्टडी में सौंपा।
अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अग्रिम जमानत याचिका पर 12 नवंबर तक सुनवाई स्थगित की गई। मध्य प्रदेश में दंगाइयों से नुकसान की भरपाई करेगी शिवराज सरकार। कानून को अमली जामा पहनाने की तैयारी। पत्थरबाजी और दंगों के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से होगी वसूली। श्रीनगर के बटमालू में आतंकी हमला। आतंकवादियों ने पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या की। पाकिस्तान की नापाक हरकत। पाकिस्तानी मरीन ने महाराष्ट्र के मछुआरे की गोली मारकर जान ली। गुजरात तट से दूर अरब सागर की घटना। मछुआरे की हत्या को लेकर फिशिंग बोट के क्रू सदस्यों से हो रही है पूछताछ। 6 नवंबर की बताई जा रही है घटना। भारतीय मछुआरों की मौत का मुद्दा पाकिस्तान के सामने उठाएगा भारत। पाकिस्तानी मरीन ने समुद्री सीमा रेखा के पास मारी थी गोली। आज 141 हस्तियों को पद्म पुरस्कार देंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 2020 के लिए दिया जाएगा सम्मान। मंगलवार को भी 119 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति। 2021 के लिए मिलेगा पुरस्कार। ईडी ने बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी से बांदा जेल में 6 घंटे पूछताछ की। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर करोड़ों की कमाई का आरोप। माफिया अतीक अहमद से भी ईडी ने साबरमती जेल में पूछताछ की। 16 बेनामी कंपनियों का कागजात हुए बरामद। झारखंड के लातेहर में 2 जगहों पर एनआईए की रेड। जबरन वसूली और सरकारी कार्यों में बाधा डालने के मामले में रेड। असम के पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के बेटे अशोक सैकिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। आज कोर्ट में करेगी पेश। अशोक सैकिया की लोन स्कैम मामले में हुई गिरफ्तारी। 25 साल पुराने 9 लाख रुपए का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में गिरफ्तारी। बार बार समन जारी होने के बाद भी अशोक सैकिया अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा था। बिहार में जहरीली शराब मौत मामले में समस्तीपुर के पटोरी थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह निलंबित। 1 महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में जमीन विवाद में घर में घुसकर बाप बेटे की हत्या की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आज नहाए खाए के साथ छठ पूजा की होगी शुरुआत। 10 नवंबर को सांध्य अर्घ और 11 नवंबर को दिया जाएगा सुबह का अर्घ। दिल्ली में छठ पर सियासी बवाल। छठ घाट बनाने की मांग को लेकर आप नेता शनिवार से धरने पर बैठे। मेयर ने घाट बनाने पर रोक लगाने की बात कही। मुंबई में भी छठ को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोला। बीएमसी ने समंदर किनारे छठ पूजा को नहीं दी इजाजत। कृत्रिम तालाब बनाकर कर सकते हैं पूजा। तमिलनाडु में साइक्लोन के अलर्ट के बाद एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात की गई। अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान। चेन्नई के जलभराव वाले इलाकों में सीएम स्टालिन का दौरा। पेराम्बूर बैरक रोड ओटेरी ब्रिज और पैड़ी में लिया हालात का जायजा। सीएम स्टालिन का विधायकों सांसदों को पुनर्वास का कार्य शामिल होने का निर्देश दिया। चेन्नई समेत 11 जिलों में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से की बात। दिया हर संभव मदद का भरोसा। साउथ के सुपरस्टार कमल हासन ने अपने फैंस से मांगा बर्थडे गिफ्ट। कहा, चेन्नई में बाढ़ पीड़ितों की मदद करें मेरे फैंस। चेन्नई में बारिश के बीच कुछ लोगों ने बांटे फूड पैकेट। बारिश के चलते चेन्नई के कई इलाके बेहाल। मथुरा में टोल प्लाजा पर गाड़ियों का लंबा जाम नजर आया। 5 घंटे तक जाम में फंसी रही गाड़ियां। आगरा नोएडा ट्रैक पर गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई। 2 से 3 किलोमीटर तक रेंगती नजर आई गाड़ियां। दीपोत्सव और भाई दूज मनाकर दिल्ली नोएडा वापस लौट रहे लोगों के चलते ट्रैक पर लगा लंबा जाम। लखनऊ में शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन। एससी ओबीसी के छात्र बीजेपी दफ्तर पहुंचे और नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के दमोह में किसानों का प्रदर्शन। उर्वरक की मांग को लेकर विरोध व्यक्त किया। प्रयागराज में कपड़े के गोदाम में लगी आग। लाखों के ऊनी कपड़े जलकर खाक हुए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। फिलहाल शॉर्ट सर्किट आग लगने की फौरी वजह बताई गई। ठाणे में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। बाल बाल बचे लोग। रात करीब 9 बजे लगी आग। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। कोरोना का नया वेरिएंट भारत के लिए कम चिंता का विषय। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स संघ का दावा। मध्य प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन के लिए अभियान तेज। 10 नवंबर से 31 दिसंबर तक हर गुरुवार को 1 करोड़ लोगों को दी जाएगी डोज। बिहार में अब तक कोरोना वैक्सीन की 7 करोड़ डोज दी जा चुकी है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस बाबत जानकारी दी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,853 नए मामले सामने आए। एक दिन में 526 संक्रमितों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 892 नए मरीज सामने आए। 16 की मौत। अकेले मुंबई में एक दिन में 252 लोग संक्रमित पाए गए। 5 लोगों ने जान गंवाई। उत्तर प्रदेश में जीका वायरस का कहर। कानपुर में अब तक 89 केस सामने आए। दूसरे जिले में भी कई मामले मिले। मैक्सिको में बड़ा हादसा। आपस में टकराई कई गाड़ियां। 15 लोगों की मौत। हादसे के बाद गाड़ियों में लगी आग। मौके पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से लगातार निकल रहा है लावा। आसपास के इलाकों में फैली राख। लावा के खतरे को देखते हुए अब तक 7,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ने को हो चुके हैं मजबूर। 2,000 से ज्यादा इमारतों को पहुंचा है नुकसान। चीन के उत्तरी इलाके में बर्फीले तूफान का कहर। कई जगहों पर सड़क प्रभावित। बर्फबारी की वजह से गिरा तापमान। मौसम विभाग ने बर्फीले तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया।
नामीबिया के मैच से पहले भारतीय टीम ने रद्द किया प्रैक्टिस सेशन। आज खेला जाएगा दोनों टीमों के बीच मुकाबला। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के बीच बॉलिंग कोच भरत अरुण का बड़ा बयान, वर्ल्ड कप में मिली हार की वजह आईपीएल को ठहराया। टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। भारत की सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद खत्म हुई। केन विलियमसन और डेवोन कॉनवे ने 68 रन की पार्टनरशिप की और टीम को जीत दिलाई। जीत के साथ कीवी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 124 रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम ने 18.1 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। अफगानिस्तान न्यूजीलैंड मैच में पहले अबूधाबी में भारतीय मूल के क्यूरेटर मोहन सिंह का निधन। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 72 रन से हराया। दूसरे ग्रुप में 10 अंकों के साथ टॉप पर रही टीम। बाबर आजम ने 66 रन और शोएब मलिक ने नाबाद 54 रन बनाए। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए स्कॉटलैंड की टीम 6 विकेट पर 117 रन ही बना पाई। रिंची बैरिंगटन ने नाबाद 54 रन की पारी खेली। रिटायरमेंट को लेकर क्रिस गेल ने किया बड़ा दावा, कहा एक और वर्ल्ड कप खेलना पसंद करूंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।